बसम क्लास चौथी का सबक मिट्टी का तेल आज हम पढ़ेंगे बच्चों मैं मिट्टी का तेल हूँ आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊँगा ग़ौर से सुनिएगा जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उससे मिट्टी के तेल का कुआ या चश्मा कहा जाता है चश्मे से निकालते वक़्त मेरी सूरत सियाह गाड़ मादे की होती है फिर मुझे सफाई के मरहाले से गुज़रना पड़ता है सफ़ाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए पहुँचाया जाता है मट्टी का तेल यानी बच्चों मैं मिट्टी का तेल हूँ आज मैं आपको अपनी यह मिट्टी का तेल जो है या अपनी कहानी सुनाता है तो ये बोलता है मिट्टी का तेल कि जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में मौजूद हूँ तो उसने मुझे मशीनों से मुझे वहाँ से खींचा जिस जगह से मुझे ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उस जगह को तेल का कुआं यानि मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है जिस वक्त मुझे निकाला जाता है मेरी शक्ल जो है वो गाढ़े सियाह मादे की होती है यानी काला होता हो, हूँ फिर मुझे सफ़ाई के मरहल से गुजरना पड़ता है ये मिट्टी का बच्चों ये मिट्टी का तेल क्या था है कि फिर इसके खाद यानि ज़मीन से निकालने के बाद इसकी सफ़ाई होती है यानी मिट्टी के तेल की सफ़ाई होती है सफ़ाई के मरहले से इसे गुज़रना पड़ता है जहाँ पे सफाई इसकी होती है वहाँ पहुँचाने के लिए इसे बड़ी बड़ी पाइपों के ज़रिए वहाँ पहुँचाया जाता है सफ़ाई घरों में मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है जहाँ पे इसे साफ़ किया जाता है तो बड़ी भरपूर तरीके से इसकी सफ़ाई होती है फिर, फिर इसका रंग भी बदल जाता है निखर जाता है इसका रंग साफ़ हो जाता है फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ उसके बाद इसकी शक्ल पेट्रोल में तब्दील होती है जिससे तेज़ रफ़्तार गाड़ियाँ कारखाने और जहाज़ चलते हैं जिस पेट्रोल से गाड़ियाँ और कारखाने और जहाज़ चलते हैं इस तरह से